तो हेलो गाइस, हमें राज आपका स्वागत करते हैं आपके चेन्नई टीसी वर्ल्ड में। फाइनली मैट्रिक बिहार बोर्ड का पैसा आना शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द आपको हम बताएंगे किस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि आपका पैसा आया है नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों का पैसा अभी तक गिरा है। आइए आपको हम चेक करके बताते हैं कैसे आपको चेक करना है कि आपका पैसा आया या नहीं आया, कैसे चेक करेंगे या फिर कब तक आ जाएगा, क्योंकि पैसा जो है अब इससे पहले बिहार बोर्ड ने 12th का पैसा भेजना शुरू कर, जिसमें मैंने बताया था लाइव प्रूफ की पैसा आ रहा है। अब फिर जो है अब 10th का भी पैसा आना शुरू हो चुका है। अब हो सकता है कि बहुत बच्चे का अभी तक नहीं भी आया होगा या फिर किसी कारण से रिजेक्ट भी हो गया होगा। तो कैसे चेक करेंगे रिजेक्ट हो चुका है या फिर मेरा पैसा आ चुका है या फिर कहाँ फंसा हुआ, आप कैसे चेक करेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन बताने से पहले अगर आप मेरे पहली बार आए, जिसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की अपडेट के लिए। दोस्तों चीज मैं बता दूं कि एक बात और याद रखेगा, आप चैनल का नाम चेंज हो जाएगा, चैनल का नाम जो है ईटीसी वर्ल्ड से हटाकर सरकारी इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जाके जुड़े, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप जुड़ जाइए। देखिए आपको चेक करने के लिए नॉर्मली आपको BRHelp.in के साइट पे आना है, हालांकि आपको इतना करना नहीं, मैं सीधा लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम स्टेप आपको बता देते हैं कैसे आपको चेक करना है। नॉर्मली आपको बिहार हेल्प साइट पे आना है, आने के बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब से सबसे नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्कॉलरशिप अपडेट, ये आने के बाद आपको सबसे नीचे में आपको यहाँ पे एक सब नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख जाएगा, आपको यहाँ पे जो कि हम दिखाना चाह रहे हैं आप उसको गौर से देखिएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखने वाला है ई कल्याण बिहार का पैसा कब आएगा, ई कल्याण मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखते देखते आप ये वाला, इस पर क्लिक करना, करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस देने जाएगा जहाँ पे कि हिंदी में सब कुछ को दिया गया, जहाँ पे कि लिखा था ये कुछ दिन पहले पेपर आया जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना रखे हैं। तो ये तो था इंटर वाले का, लेकिन अब मैट्रिक वाले का भी पैसा आ रहा है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे 10th पेमेंट समरी रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना, करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि आपको सेलेक्ट करने को बोला जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उस पर क्लिक करें। जैसे मैं भागलपुर से हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाता है, जहाँ पे कि लिखा हुआ है पेमेंट समरी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। ठीक है, अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से तो आप उसको करेंगे चेंज, वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट च्वाइस कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है कॉलेज सीरियल नंबर, कॉलेज का नाम, उसका टोटल स्टूडेंट यानी किस कॉलेज में कितना स्टूडेंट है वो, न्यू अकाउंट अपडेटेड, अभी ये क्यों ऑप्शन आता है, ये आता है उन लोगों को जो लोग का रिजेक्ट हो चुका है वो लोग अपडेट किए हैं उन लोगों का जो, और ये रिमेनिंग अकाउंट विल बी अपडेटेड यानी कि जो अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे टोटल पेमेंट डन सेंड यानी कि इतने दो लोगों को पेमेंट सेंड, यानी कि 39 विद्यार्थी में से यहाँ पे इतने विद्यार्थी यानी कि दो विद्यार्थी को पैसा जा चुका है। अब देखिए किसी में दो, किसी को 16, किसी को एक, किसी को 9, किसी को 14, इस तरह से जाना शुरू हो चुका है पैसा, यानी कि पैसा अब बिल्कुल भेजा जा रहा है। डन वाले पेमेंट पे क्लिक कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको चीज मैं बता दूँ कि अगर आपको ये जो 24 और यहाँ पे 13 है, अगर जैसे सपोज कर लीजिए आपको कोई भी कॉलेज है, अगर उसके आगे में जो भी आपको देखने को मिल रहा होगा, सपोज कर लीजिए कि अगर आपका इस दोनों में नाम है तो इसका मतलब है आपका पैसा अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि आपका प्रोसेस में ही है। सपोज कर लीजिए 24 वाले पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, टोटल नाम, आपका मम्मी का नाम और उसके बाद आपके पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे शो आउट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसमें भी अगर आपका शो कर रहा है तो समझ जाइए कि आपका पैसा अभी नहीं आया होगा, उसी तरह का इसमें भी शो करता है। लेकिन अगर आपका इस दोनों में नाम नहीं है तो समझ जाइए कि आपका पैसा ऑलरेडी आ चुका है, या फिर आपको एक बार बैंक से जाके अपने पासबुक को अपडेट करा लेना चाहिए। दोस्तों आप इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया होगा तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह की अपडेट के लिए। मैं रोजाना कुछ ना कुछ इस तरह का अपडेट लेकर आया करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे तो बिल्कुल आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल है ब्लॉग का, जिसका नाम है बिहारी DNA, आप उसका भी लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर विजिट कीजिए, वहां भी मैं कुछ अच्छे खासे वीडियो डाला करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।